नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए चलते हैं और जानते हैं आज दिन भर के एंटरटेनमेंट की खबरों को। अपने बलमा को डिस्को में ढूंढ रही है मौनी रॉय। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय अभिनय के साथ साथ अपने फैशन और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। आज उनका गाना डिस्को बलमा रिलीज हो चुका है। इस गाने में मौनी ने धमाकेदार डांस किया है। मौनी ने गाने में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का डॉटेड लहंगा और सिल्वर हेवी वर्क वाला बलून स्लीव्स ब्लाउज पहन रखा है। जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज किया गया इस गाने को असीस कौर और मेलोडी ने मिलकर गाया है। सलमान ने की अपनी भांजी की तारीफ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री आए दिन सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर छाई रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ज्वेलरी शूट करवाया है जिसमें उनकी जमकर तारीफ हो रही है। इस शूट को सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा, अरे वाह बेटा, तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो, गॉड ब्लेस यू। आपको बता दें कि अलीजे अग्निहोत्री सलमान की बहन अलवीरा खान और फिल्म मेकर अतुल अग्निहोत्री की बेटी है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस हरकत के लिए मांगी माफी। प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड का भी एक चमकता सितारा है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण प्रियंका की काफी आलोचना की जा रही है। दरअसल प्रियंका द एक्टिव शो होस्ट करने वाली हैं। उनका ये शो काफी अलग तरीके का है जिसका उद्देश्य अलग अलग एक्टिविस्ट को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है जिससे वह अपने चैरिटेबल वर्क को प्रमोट कर सके। हालांकि द एक्टिविस्ट को पैसों के लिए इतना तुच्छ बना दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की जा रही है। इस आलोचना के कारण प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके माफी मांगा है। बोल्डनेस की देवी का आज जन्मदिन। टीवी के सबसे पॉपुलर और ग्लैमरस एक्ट्रेस निया शर्मा का आज जन्मदिन है। वो आज 31 साल की हो गई हैं। इस खास दिन का जश्न मनाते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। इन फोटोज में उन्होंने ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई है और हाथ में केक लिया हुआ है। शेयर किए हुए वीडियो में वो फ्लैट की रेलिंग पर केक को कट कर रही है जहाँ उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी हैं। बॉलीवुड के बादशाह बने बैड बॉय। बॉलीवुड में बैड बॉय के नाम से मशहूर बादशाह अब एक ऐसे ही गाना लेकर आए हैं। दरअसल उनका एक गाना बैड बॉय बैड गर्ल आज रिलीज हो गया है। इस गाने में उनके साथ खूबसूरत मृणाल ठाकुर है। इस गाने में मृणाल एक बैडास अवतार में है। उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा है, साथ ही उन्होंने काफी बोल्ड मेकअप लुक रखा है जिसके कारण उनका फिगर कातिलाना लग रहा है। बादशाह के साथ मृणाल का यह पहला एल्बम है जिसमें निकिता गांधी ने भी अपनी आवाज दी है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।